The cast and crew of the film Pyaar Ka Punchnama 2 recently celebrated the success at the box office. The team spoke about how they brought a twist to their original concept of the prequel and also expressed their happiness about getting a great response. देखिए पूरी फिल्म का सिलसिला ही शुरुआत जो होता है वो स्क्रिप्ट के ऊपर होता है तो जब शुरू में हम लोगों की लव के साथ काफ़ी बातें हुई तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इस पर फीडबैक दिया जाता है खासकर क्योंकि हम लोग पहले से ही इस फिल्म से जुड़े हुए हैं तो उस फिल्म का क्या एक्सपीरियंस रहा और उस फिल्म को आज अगर आप सीक्वल बना रहे हैं तो किस बातों को आप चेंज करना चाहेंगे जैसे आप अक्सर आपने देखा एक सीक्वल आप बनाते हैं तो आप ये बोलते हैं कि इस सीक्वल में अलग क्या करेंगे तो इस सीक्वल में सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने ये फैसला किया हम अलग कुछ नहीं करेंगे एक्चुअली वही करेंगे ये वही सीक्रेट सॉस है जो इस बार भी काम करेगा वो सबसे बड़ा क्रिएटिव डायरेक्शन एक था वो लव का एक बहुत बड़ा कन्विक्शन भी था जो आई थिंक एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है कि इस तरह के इंसाइट और इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म को में आप बिलीव करें और उसके ऊपर आप एक सीक्वल बनाएं तो आई थिंक इट इज़ ऑलवेज अ कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट बेसिकली आई एम वेरी वेरी हैप्पी यू नो इट्स बीन अ फैंटास्टिक ईयर फॉर अस राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्टेड विद अ वेरी डिफरेंट फिल्म यू नो मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ बहुत ही अलग तरह की यू कैन कॉल इट अ स्मॉल फिल्म नीश फिल्म वेदर इट्स अ नीश फिल्म वेदर इट्स अ यूथ फिल्म whether it's a mainstream film like Gabbar or whether it's a mainstream but plot-driven film like Drishyam or Maji or now Pyaar Ka Panchnama, I think we've had a fantastic year. And therefore, of course, we are very happy we are celebrating here. Sir, expect to किया ही था, but इतना बहुत अच्छा response है और लोग काफी बारी मैंने तो ये भी सुना है कि लोग तीन तीन चार चार बार जा रहे हैं मेरे खुद के दोस्त दो दो तीन तीन बार जा रहे हैं and they're loving it like anything. और वही है कि आप relate करते हो, you know, it is entertaining at the end. आप क्या चाहते हो कि आप एक हैंगओवर होता है मूवी का अगर आप मूवी से बाहर निकलते हो देख के तो दैट इज व्हाट इज इंपोर्टेंट दैट इज द रीजन आई थिंक रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी और जो बन गया कुत्ता की आप बात कर रहे हैं जो गाना था बहुत फर्स्ट फिल्म में बहुत ऐसा कुत्ता बने थे मतलब लड़के सारे लड़के बने थे सेकंड पार्ट में काफ़ी मूर्ख बने जो कि गाना है कि ओरे 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 मूर्ख तो आई थिंक बहुत मूर्ख बने हम लोग एंड इनकी कृपा से एंड चलो कहीं तो क्रेडिट दिया कहीं यहाँ क्रेडिट सबसे पहले इनका आता है तो या आई थिंक आई एम ग्लैड कि ये लोगों को अच्छा लग रहा है मूर्ख बनते एंड इट्स नॉट अ लव स्टोरी क्योंकि लव स्टोरी में कई बार लोग उल्टा समझते हैं नॉट अ लव स्टोरी में हमारा काम अच्छा चल रहा है जी टू बी ऑनेस्ट हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा करेगी फिल्म पहले से बेटर करेगी पर जिस हिसाब का रिस्पांस मिला और जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं और जो नॉट जस्ट नंबर्स हमें तो मतलब लोगों का प्यार दिख रहा है जिस हिसाब से लड़के मतलब यू नो इतने खुश हो रहे बाहर निकल के बोले यार तूने हमारी कहानी कह दी तो वो जो है वो बहुत एक एक्साइटमेंट एक चीज़ होती है स्पेशली फॉर एक्टर्स तो इट्स डूइंग फिनोमिनल बिजनेस एंड वी आर ऑल लविंग इट के यू नो लोगों को इतनी पसंद आ रही है और लोग दो दो बार तीन तीन बार जा रहे हैं यार मतलब कई मेरे दोस्त लोग भी बोल चुके हैं यार अब मैं तीसरी बार देख के आता हूँ मुझे कुछ और देखने मिलेगा तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग